हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है कि सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया है। तो हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि सैमसंग अपने 3 डिविजन्स में से 2 को मर्ज करने वाला है, जो कि था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स का। तो सैमसंग ने इस नए डिवीजन का नाम, जो इन्हें रिजुविनेट किया, इसका नाम रखा है डीएक्स डिवीजन। इसको ये स्टैंड करता है डिवाइस एक्सपीरियंस के लिए। और सैमसंग ने कहा है कि इस नाम से सैमसंग का फोकस दिखाई देता है अपने कस्टमर्स को नए एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। स्पाइसजेट एक बहुत अच्छा कदम उठाने जा रहा है। ये एसेंशियल आइटम्स के लिए ड्रोन डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं। एसेंशियल आइटम्स जैसे कि वैक्सीन या मेडिसिन, कुछ भी। बहुत ही अच्छा कदम है ये। आप हमें इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। न्यू ईयर के बाद यानी कि 1 जनवरी 2022 से जो भी आप ऑटो राइड्स ओला या उबर से बुक करेंगे वो महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार ने 5% जीएसटी इन पर लगा दिया है। इस पर एक उबर स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि सरकार अपने इस मूव को एक बार रिकंसिडर करे, क्योंकि इससे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी इनकम इफेक्ट होगी और जो डिजिटलाइजेशन की ओर सरकार बढ़ रही है शायद वो भी कम हो जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। हमने आपको एक अपने बहुत पुराने वीडियो में बताया था कि अमेजोन पर मध्य प्रदेश के 2 लोग 20 किलो गांजा बेच रहे थे। ये बात जब सामने आई तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से डिमांड की थी कि इस पर कठोर से कठोर एक्शन लिए जाएं, क्योंकि अगर आज अमेजोन पर गांजा बेच रहे हैं लोग तो फिर कल को हथियार भी बेच सकते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है इस मैटर को देखने के लिए। इस पर सीएएआईटी यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस, जो देश की सबसे बड़ी सिरिंज मेकर कंपनी है, इन्हें हरियाणा में अपना प्लांट बंद करने के आदेश दिए गए, क्योंकि पॉल्यूशन इसकी वजह बढ़ रहा है। इस पर एचएमडी के जो डायरेक्टर है उन्होंने सरकार से कहा कि भाई सिरिंजेस वैसे भी कम मात्रा में है और कोविड-19 के समय इनकी और जरूरत है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल नीड्स में डाल दो ताकि ये अपना जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकें, यानी कि सिरिंजेस बिना किसी दिक्कत के बना सकें। फिलहाल तो ये टेम्परेरीली क्लोज की गई है। क्या आपको लगता है कि ये करना सही है या फिर ये करना गलत है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया था, जिसमें बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज की जानी चाहिए, ना कि उसे कमजोर करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूएई बेस्ड लुलू ग्रुप के यूसुफ अली ने कहा है कि वो गुजरात में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अहमदाबाद के पास एक मॉल बनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि इस मॉल के आने से 5000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। राकेश झुनझुनवाला बैग्ड मेट्रो ब्रांड, जो कि एक फुटवेयर रिटेलर हैं, इनका आईपीओ आया था 1368 करोड़ का आईपीओ। पहले दिन 27% बुक हो गया है। इनकी जो प्राइस बैंड है वो 485 रूपये से लेके 500 रूपये तक है। इन्होंने 410 करोड़ की फंडिंग भी रेज की थी। राकेश झुनझुनवाला के बारे में एक और खबर, हमने आपको अपने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कैसे स्टार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ की थी राकेश झुनझुनवाला ने। उनकी लिस्टिंग से राकेश झुनझुनवाला को 6000 करोड़ का फायदा हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सेबी से कहा है कि जो फार्म इजी का आईपीओ है 6250 करोड़ का, उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। इस आर्ग्यूमेंट के पीछे वो वजह ये बता रहे हैं कि 2018 में एक ऑर्डर पास हुआ था जिसके तहत मेडिसिन्स को, दवाइयों को ऑनलाइन बेचना इलीगल है और फार्म इजी यही कर रहा है। इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइए। ट्रेड बॉडी SEA यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बताया है कि पिछले 30 दिनों में एडिबल ऑयल्स का जो दाम है वो 8 रूपये से 10 रूपये पर केजी के रेट पे कम हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेंटर ने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी एडिबल ऑयल्स पर उन्हें कम किया। आने वाले दिनों में भी इस दाम के और कम होने की उम्मीदें हैं।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल वी के सिंह ने बताया है कि सरकार 2025 तक 25 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का सोच रही है। क्या आप इस डिसीजन के सपोर्ट में हैं या विरोध में हैं? आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो स्टेप सरकार लिए जा रही है वो देश के एसेट्स को बढ़ा रहा है या फिर कहीं ना कहीं देश के एसेट्स को कम कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ और हैकर ने पहला ट्वीट क्या किया कि इंडिया बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर की तरह अडॉप्ट कर रहा है। हालांकि ट्विटर ने बताया कि उन्होंने प्रॉब्लम अब फिक्स कर दी है, लेकिन ये हैकर भी बेचारा शायद जो नए रूल्स आ रहे हैं क्रिप्टो से रिलेटेड उनसे परेशान होगा। आप हमें बताइए कि क्या इंडिया को बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टेस्ला ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया है जिससे लोग गाड़ी में बैठ के वीडियो गेम्स खेल सकेंगे। वहीं दूसरे हाथ पर मर्सिडीज बेंज ने एक एरर फिक्स किया है जो एरर लोगों को गाड़ी में बैठ के टीवी देखना अलाउ कर रहा था। आप हमें बताइए आप किसकी तरफ हैं, टेस्ला की तरफ या मर्सिडीज की तरफ। टीवीएस और जोहो ने मिलकर बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अल्ट्रा वॉयलेटे में 112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें 70 करोड़ या 75 करोड़ टीवीएस ने दिए, बाकी के 37.5 करोड़ दिए हैं जोहो ने। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेक श्योर यू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लो।